आज एक महत्वपूर्ण बैठक अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में संपन्न हुई है। चुनाव जीतने के बाद लोकसभा के पहली बार जिले के अध्यक्ष और जिले के प्रभारियों की बैठक हुई और दो तीन समितियां जो हम लोग ने बनाया है अगले विधानसभा के चुनाव के लिए उन समिति के सदस्यों के साथ बैठक हुई। कुल मिलाकर के अगले 100 दिन विधानसभा की शेष है और इसे 100 दिनों में कैसे भारतीय जनता पार्टी को एक्ट करना है उसके लिए रणनीति जो हम लोगों की माननीय अपने प्रभारी श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी और हेमंत बिस्व शर्मा जी सब प्रभारी के नेतृत्व में बना है उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के इस राज्य के अंदर जो तत्कालिक समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, चाहे वो पानी है, वो बिजली हो, चाहे करप्शन हो, चाहे फिर जो दुष्कर्म और हत्याएं हो, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, उनको लेकर के जिलों में आंदोलन करना और साथ ही साथ जो हम लोगों ने तय किया था, आदरणीय अध्यक्ष जी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हम जो 9 लोकसभा जीते हैं और जहां हम नहीं जीत पाए हैं ऐसे लोकसभा सभी 14 लोकसभा में विधानसभा स्तर पर एक अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा करना है। वो विजय संकल्प सभा आने वाले विधानसभा के चुनाव के निमित्त यह लेकर के आज की बैठक हुई है और 6 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक यह कार्यक्रम चलने वाला है जब संसद का सत्र बंद रहेगा। एक बड़ा विषय जो सामने आया है वो बहुत गंभीर भी विषय है जिसे डेमोग्राफिक चेंज की हम लोग बातें कर रहे हैं, उसमें कैसे मतदाता सूची को लोगों ने प्रयोग किया है। राजमहल से अपने विधायक है माननीय अनंत ओझा जी, उन्होंने इसको लिखित किया है कि किस तरह से उस राजमहल विधानसभा क्षेत्र में उनके विधानसभा में 50,000 वोटर बढ़ गए और वहीं 19,000 वोटर कटे हैं। ये 50,000 वोटर बढ़ने का जो आंकड़ा है और भी जो अलग अलग ऐसी डेमोग्राफी जहां जहां से चेंज हो रही, चाहे पाकुड़ में 70,000 वोटर का बढ़ना हो, जो 2014 और 2019 में अनुपातिक रूप से 10,000 उस विधानसभा में बढ़ने का होता था, वो 2019 से 2024 में 50,000 60,000 70,000 यह जो मतदाता सूची में नाम बढ़ा है। और जैसा आपने देखा होगा गुमला में जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ आपको पता होगा कि भाई जिस गांव में एक भी मुस्लिम मतदाता नहीं है उस गांव में मुस्लिम मतदाता वोट करने के लिए उसका चुनाव जो है मतदाता सूची में आया, ग्रामीणों ने विरोध किया, अखबारों में आया और वो भाग करके निकल गया, किसी तरह से बच बचा करके निकल गया। तो ये सारी चीजों पे एक कमेटी हमारी मतदाता पुनरीक्षण कमेटी बनी है, वो भी कर रहे हैं। हम लोगों ने आज हमारे यहाँ के प्रतिनिधि मंडल आज यहाँ अपने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के यह जो एक षड्यंत्र पूर्ण कार्रवाई एक चल रही है मतदाता सूची में जो कपटपूर्ण भी है और जिसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है उसमें भूमिका का जो संदेहास्पद भूमिका का है, इसमें किसके कारण से हुआ है, डिलीटेड मतदाता जो जीवित है उनका नाम डिलीटेड हुआ है, ये सारे विषयों को लेकर के भी चर्चा हुई और इस पर भी हम लोग कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज की बैठकों में आगे की जो हमारी 1 महीने की रणनीति कार्यक्रम है उसको लेकर के बैठकें हुई है। 20 तारीख को 20 जुलाई को एक विस्तृत कार्य समिति अपना होगा पूरे राज्य स्तर का, जिसमें 25,000 हमारे डेलीगेट पूरे झारखंड प्रदेश से मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता आने वाले हैं। तो ये कार्यक्रमों की तैयारी के निमित्त आज की बैठक तो कई है, मुद्दा तो एक परिवर्तन का है कि भाई अब झारखंड की जनता इनको नहीं सहने वाली, जो भ्रष्टाचार के पराकाष्ठा पार किया है, जो तुष्टिकरण के पराकाष्ठा पार किया है, जिसने लॉ एंड ऑर्डर में इतना डिटोरेट कर दिया है कि रांची के अंदर और माझी के अंदर एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना होती है, ऐसे सामूहिक दुष्कर्म की घटना। आज एक अस्पताल जो है एक जच्चा को इसलिए बच्चा बंधक बना के रखता है, बच्चा को छोड़ देता है 10 दिन से कि भाई उसने पेमेंट नहीं किया। आज अखबारों में आता है कि डीएसपी के गले से सोने की चेन निकाल करके चली जाती है। आज सीजीएल की परीक्षा हो, चाहे जीटेट की परीक्षा हो, चाहे सीजीएटी का परीक्षा हो, इसमें भ्रष्टाचार के सारे चीजें आज निकल कर रहे हैं। युवा एकदम से हतोत्साहित है, युवाओं के सामने अपने भविष्य को लेकर प्रश्न चिन्ह है। ऐसे सारे मुद्दों को लेकर के पूरे निचले स्तर पर परिवर्तन का एक माहौल है जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करेगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता की सरकार बनेगी। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ,
इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।